वेलकम बैक। इस क्वेश्चन ने पूछा है नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इन कॉन्जुगेशन इन ऑल फोर ऑप्शन। हर सिस्टम में कितने पाई इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में है? तो सिंपल क्वेश्चन, तो देखो दिस इलेक्ट्रॉन दिस इलेक्ट्रॉन दिस इलेक्ट्रॉन, सिक्स इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन। आपको लग रहा होगा ये क्यों नहीं है, ये कॉन्जुगेशन में क्यों नहीं आया? So, देखो ये पीरिडीन मॉलिक्यूल है, बहुत स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल है, ये बहुत बार आता है, तो ये क्यों नहीं कॉन्जुगेशन में आया? So, देखो यहां पर इस तरीके से बॉन्ड है और यहां पर लोन पेयर है। देखो ड्यू टू दिस पाई बॉन्ड, यहां पाई बॉन्ड है ना, सो नाइट्रोजन का एक पी ऐसा होगा, ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन वाला। Now, ये लोन पेयर कैसे होगा? फिर ये लोन पेयर हैज टू बी परपेंडिकुलर टू दिस, क्योंकि नाइट्रोजन विल बी sp2 हाइब्रिडाइज, सो दिस लोन पेयर इज परपेंडिकुलर टू दिस p ऑर्बिटल। ये सारे p इस तरीके से है, बट ये लोन पेयर तो परपेंडिकुलर है, सो दिस लोन पेयर इज आउट ऑफ plane, so cannot be in conjugation. Conjugation के लिए क्या चाहिए? इन एक ही plane पर सारे होने चाहिए, so this is not in conjugation. So this has only these 6 electron in conjugation. So 6 pi electron conjugation में। यहां पर देखो ये nitrogen इस तरीके से अभी ऐसा कुछ कर सकता है, सो लोन पेयर ऑफ दिस नाइट्रोजन इज इन कॉन्जुगेशन। अब ध्यान रखिए अलाइलिक पोजिशन का लोन पेयर कॉन्जुगेशन में हो सकता है, अलाइलिक का डबल बॉन्ड है ना, यहाँ ये विनाइलिक हो गया, डबल बॉन्ड के ऊपर लोन पेयर इज विनाइलिक एंड डबल बॉन्ड के बगल वाले लोन पेयर इज कॉल्ड अलाइलिक, सो दिस इज इन कॉन्जुगेशन। सो यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन थे एंड 2 इलेक्ट्रॉन ओवर हियर, तो मतलब यहाँ पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में। यहां पर यहां 4 है, इसके पास 2 लोन पेयर है, बट सिर्फ एक लोन पेयर कॉन्जुगेशन में आ सकता है, दूसरा वाला लोन पेयर जो होगा परपेंडिकुलर टू प्लेन हो जाएगा, तो इसके पास भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में। फोर्थ ऑप्शन, तो यहां तो सबको पता होता है 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, सिंपल है, ये तो बेंजीन मॉलिक्यूल है, ठीक है, so all structure have 6 pi electron in conjugation, सबके पास 6 pi electron conjugation में है।